भाजपा और मोदी की आलोचना पर रामचंद्र गुहा को मिली धमकियां। जाने माने लेखक इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्वीट किया कि उन्हें ऐसे मेल आ रहे हैं जिसमें चेतावनी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना न करें। उन्होंने यह भी कहा कि ये सारे मेल एक जैसे हैं। 58 साल के गुहा ने दावा किया कि मेल में चेतावनी भी दी गई है कि वे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की भी आलोचना न करें। ट्वीट में कहा गया है कि कई लोगों की ईमेल आईडी से मुझे एक जैसे मेल आ रहे हैं। इनमें चेतावनी दी गई है कि भाजपा की आलोचना करने पर दिव्य महाकाल की ओर से मिलने वाली सजा के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि मुझे चेतावनी भी दी गई कि दुनिया को बदलने के लिए दिव्य महाकाल की ओर से चुने गए और उनमें से आशीर्वाद प्राप्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आलोचना ना करूं। हाल ही में आधार के मामले पर भी रामचंद्र गुहा ने एक खबर को रीट्वीट किया था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर चीज में आधार को जरूरी करने की सरकारी योजना के खिलाफ है। हालांकि इतिहासकार ने कहा कि ऐसे मेल नियमित रूप से आते रहते हैं और इनमें कुछ गंभीर नहीं है। उल्लेखनीय है कि रामचंद्र गुहा एक मशहूर इतिहासकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीसीसीआई को चलाने वाली क्रिकेट प्रशासकों की कमेटी में भी उन्हें शामिल किया था। गुहा ट्विटर के अलावा अपने लेख से भी राजनीतिक मामलों पर अपनी राय रखते रहते हैं। वे भाजपा के अलावा कांग्रेस पर भी निशाना साधते रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने सार्वजनिक कर दी धोनी से जुड़ी जानकारी, साक्षी धोनी नाराज। एमसीडी चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। अमरिंदर सिंह बोले, वाहनों पर लाल बत्ती नीति में कोई बदलाव नहीं। लिफ्ट में फंसे तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा एक घंटे तक हुए परेशान। एयर इंडिया ने फिर रद्द की शिवसेना सांसद रविन्द्र गायकवाड़ की टिकट।